अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, दिस इज अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो के स्टार्टअप में आप लोगों ने ये तो देख ही चुका होगा कि आज की ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने जा रही है। बैक टू बैक ऑटो लेवल्स आप लोगों के लिए दो टॉप ऑफ द लाइन कन्वर्जन लेके आया है, जिसके अंदर एक कन्वर्जन जो है हमने लैंड क्रूजर ZX की है, सिग्नस टू कन्वर्ट लैंड क्रूजर 2021 मॉडल। लेकिन आज की ये कन्वर्जन जो है वो एंड हो गई है भाई। बिलीव करें, ऐसी कन्वर्जन मैंने अभी तक पाकिस्तान के वर्ल्ड में किसी गाड़ी के ऊपर नहीं देखी, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर हमने जो कन्वर्जन की है वो प्राडो 120 जो कि वेरिएंट आता है, सीरीज़ आती है 2002 से ऑनवर्ड 2009 तक, 8 तक की सीरीज़, उसको कम्प्लीटली कन्वर्जन की गई है 2020 के अंदर। आप बात करें इसकी फ्रंट की, तो फ्रंट से ऑलरेडी हम बहुत सारी गाड़ियां जो हैं मिनिमम 140-142 गाड़ियां जो है मैं ऑटो लेवल अपनी कंपेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर चुका था। लेकिन आज की ये वीडियो जो है वो टोटली कन्वर्ट की गई है 2020 के अंदर। इसकी आप साइड प्रोफाइल्स देखें, डोर्स देखें और बैक के अंदर जो वो कर्व आती है, तो बिलीव करें इस बार तो ऑटो लेवल्स ने वाकई एंड कर दी है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर तो स्टिल आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि ऑटो लेवल्स एक टाइम वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन जो है लेके आया है। एक कम बजट के अंदर एक लग्जरी और VIP गाड़ी रखना ऑटो लेवल्स आप लोगों को बताएगा कि आप लोग किस तरह ये रख सकते हैं। तो अगर तो स्टिल आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि ये एक एंटीक वीडियो होने जा रही है ऑटो लेवल्स के इंटायर हिस्ट्री के अंदर, कि आप लोगों के सामने हम इस तरह की कन्वर्जन जो है वो लेके आ रहे हैं। बेसिकली आज की वीडियो जो है वो लैंड क्रूजर प्राडो 120 2003 मॉडल की होने जा रही है, जिसे टोटली कन्वर्ट किया गया है 2020 के अंदर। सो मोस्टली जब भी हम प्राडो के अंदर कन्वर्जन करते हैं, प्राडो 120 के अंदर स्पेशली, तो उसके अंदर फ्रंट से हम कुछ पार्ट्स चेंज करते हैं, जैसे कि बोनट, फेंडर, हेडलाइट्स, बम्पर, बॉडी किट, और इसके साथ साथ दरवाज़ों को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, इसके बैक फेंडर, क्वार्टर फेंडर को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, बट बैक से इसके अंदर हम बैक बम्पर और बैक लाइट्स और बैक गार्निश की जो है एडिशन कर देते हैं, जो एक मिनिमम बजट के अंदर आपको एक प्राडो 2021 के अंदर जो है कन्वर्जन मिल जाती है। बट आज की वीडियो जो है ये टोटली मुख्तलिफ वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हमने प्राडो की टोटल कन्वर्जन जो है की है, फिर वो चाहे इसका फ्रंट की है, चाहे बैक की है, चाहे दरवाजे हैं, और इंक्लूडेड इसका क्वार्टर पैनल जो कि एक कर्वनेस, एक एज आता है बैक फेंडर, क्वार्टर फेंडर के ऊपर। सो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को देता हूं इस वीडियो का एक छोटा सा ओवरव्यू और एक वॉक अराउंड लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और किस किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन की गई है और इस टाइम ये गाड़ी किस कंडीशन के अंदर है। सो बेसिकली ये वो प्राडो है जो कि टोटली कन्वर्ट की गई है 2021 के अंदर। बिलीव करें इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और इवन कि इसका जो कलर इसके ऊपर किया गया है ये जेन्युइन कलर ही है, बस और हमने टोन चेंज करके इसको जो है अपग्रेड किया था। और इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉय रिम्स इंस्टॉल्ड हैं फ्रंट से, इसके अंदर टोटल जो है वो पार्ट्स चेंज किए गए हैं, इसकी फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बोनट, इसका साइड फेंडर्स, फ्रंट बम्पर, फ्रंट बॉडी किट जो कि जेन्युइन फिटिंग के साथ आप लोगों को इंस्टॉल करके देते हैं। और अगर बात करें इसकी साइड की, तो साइड से इसके अंदर साइड मिरर भी इंस्टॉल किए गए हैं, दरवाज़ों के अंदर वही शेप दी गई है। इसके पैनल्स आते हैं काफ़ी ऊपर ना, यहाँ पे इसके पूरे पैनल्स आते हैं, वो पैनल्स टोटली ख़त्म किए गए हैं, दरवाज़ों के अंदर वही कर्व रखी गई है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर डोर मोल्डिंग नहीं इंस्टॉल करवाई, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर जो कर्व और इसके ऊपर जो मेहनत हुई है वो आप लोगों को नज़र आ सके। सो अगर तो मैं बैक की बात करूँ, तो बैक से इसके अंदर वही हमने कर्व दी हुई है जो कि इस टाइम लेटेस्ट मॉडल प्राडो जो है उसके अंदर आ रही है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो आप लोगों को इसका कर्व जो है बैक से वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, जो कि पूरा एक लाइन जो है इसके बैक दरवाज़े के ऊपर जा रही है। और ये मेरे ख्याल से मोस्टली न्यू प्राडोज जो आ रही हैं जो कि 2009 के बाद बात की हैं उनके ऊपर ये नज़र आती है। सो इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बैक से इसके अंदर बैक लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, इसकी बैक गार्निश भी इंस्टॉल की गई है। सो बेसिकली जो बैक फेंडर है उसके ऊपर जितना भी वर्किंग की है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इस टाइम ऑटो लेवल्स के वर्कर्स ने जो है वो वर्किंग की है। सो अगर मैं बात करूँ इसके बैक लाइट्स की, तो इस टाइम आपको ये बैक प्रोफाइल से भी आपको ये बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा,
कि ये गाड़ी जो है वो कन्वर्ट की गई है 2020 के अंदर। इसके अंदर बैक लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, बैक बम्पर इंस्टॉल किया गया है, बैक बॉडी की इंस्टॉल की गई है और बैक गार्निश भी इवन की इंस्टॉल की गई है। इसके अंदर जो इन मॉडल्स में हैं वो हैंडल्स यहाँ पे आए हैं, जबकि इसके अंदर हमने हैंडल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। सो अगर तो बात करूँ इसके बैक स्पॉयलर की, बैक स्पॉयलर इसका वही है, ऊपर जो रूफ रॉड हैं वो भी चेंज किए गए हैं। और इवन के साइड पैनल्स में आप लोगों को इसके दिखा दूँ, साइड पैनल्स भी जो हैं इसके अंदर 2020 के ही इंस्टॉल किए गए हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी की लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और बिलीव करें बड़ी खूबसूरत इस टाइम जो आप लोगों के सामने लग रही है। मोस्टली जब भी हमने कन्वर्जन्स की हैं तो हमने कन्वर्जन्स के अंदर ये जो इसका कर्वनेस आया है ये कर्व हमने अपग्रेड नहीं की, बट मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप गाड़ी को साइड प्रोफाइल के साथ क्यों नहीं अपग्रेड करते। तो लीजिए साइड प्रोफाइल के साथ गाड़ी आप लोगों के सामने है और इस टाइम ये टॉप ऑफ द लाइन कन्वर्जन है। मिनिमम भी जो है ये आपके जो सिंपल कन्वर्जन है प्रोडक्ट की उस कन्वर्जन से बहुत बाहर ये कन्वर्जन आपकी आपको एक्सपेंसिव हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर तो स्टिल आप भी इस तरह की प्रोडक्ट की कन्वर्जन्स करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम ऑटो लेवल वर्कशॉप विजिट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन के अलावा प्राडो लैंड क्रूजर में प्राडो की ओल्ड कन्वर्जन जो है वो भी की जा रही हैं, लैंड क्रूजर प्राडो की जो इतने भी ओल्ड मॉडल्स हैं उनके ऊपर। सो अगर तो आप भी किसी भी किस्म की रिस्टोरेशन, रीपेंट मॉडिफिकेशन या फेसलिफ्ट कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं या इस तरह की एंटीक कन्वर्जन्स करवाना चाहते हैं तो आप लोग ऑटो लेवल्स वर्कशॉप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक पूरे ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स इसके, जिसमें आपको इसका ओवरऑल 360 व्यू जो है आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।